जिम्मेदार अधिकारियों ने पंचायत चुनाव का बनाया मजाक। विद्युत विभाग ने जारी किए एक ही व्यक्ति के नाम से दो नोड्यूज। पंच पद के उम्मीदवार पर विपक्षी दल ने फर्जी नोड्यूज बनवाने का लगाया आरोप। खनिया थाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कफार के पंच पद उम्मीदवार ने अपने विपक्षी उम्मीदवार पर समीक्षा के दिन फर्जी कागजात लगाने का आरोप लगाते हुए अपनी एक आपत्ति दर्ज कराई है और उम्मीदवार का कहना था कि विपक्षी उम्मीदवार ने फर्जी कागजात बनवाए हैं और बिजली विभाग का नोड्यूज बनवा कर पंच पद का फॉर्म भरा हुआ है, जिससे कि फर्जी कागजात होने की वजह से इसे निरस्त हो जाना चाहिए। मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत ही तहसीलदार खनिया थाना सुधाकर तिवारी ने समस्त आपत्तियों वाले इनामों को अलग करवा कर उनकी जांच करवाने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि जब हमारी टीम ने इस बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो मालूम हुआ कि पंच पद के उम्मीदवारों के नाम से दूसरे नोड्यूज बनवाकर उक्त फॉर्म में संलग्न कर दिए गए। जब विद्युत विभाग से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो वहां के अधिकारी कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाए। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग तारीखों में दोनों नोड्यूज बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि पूर्व में बनाया गया नोड्यूज सही था तो नया नोड्यूज बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, और यदि पहले वाला नोड्यूज फर्जी था तो फिर पंच का फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया। समीक्षा के दौरान आपत्ति प्राप्त हुई थी, पूर्व मालूम चला था तो आपत्ति ली गई थी, तो उस आपत्ति के संदर्भ में हमने MPEB के पत्र जारी किया था और पत्र के तारतम्य में रात 1:02 पे उनका जवाब आ गया था और उस आधार पर हमने जो है तो अधिवक्ता की आपत्तियों का निराकरण करवा दिया है और सभी जो है तो नामदेशन पत्र वैध पाए। सर साहब के यहाँ से लेटर आ जाएगा, इसके बाद जांच उसकी करके हम जानकारी भिजवा देंगे। ऐसी कोई जानकारी आती है आपके पास? अभी तक ऐसी कोई जानकारी तहसील कार्यालय से नहीं आई आपके पास में? अभी नहीं आई है। और यदि ऐसा कोई मामला आता है आपके संज्ञान में कि नकली नोड्यूज लगाए हुए तो इसमें आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जो उसका जांच करके कार्रवाई की जाएगी हम रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देंगे। मेमोरी को फॉर्म भरा एक वार्ड से, वार्ड नंबर एक से। हाँ। आपने एक शिकायत दर्ज कराई है तहसीलदार महोदय को, क्या शिकायत दर्ज कराई है? बिल की शिकायत कराई। आपके जो सामने लड़ने वाला है उसने उसका बिल जमा नहीं हुआ, बिल जमा नहीं हुआ और उसने नोड्यूज लगा दिया है, लगा दिया और फर्जी मतलब जो मतलब सुनवाई नहीं हो रही। आपने शिकायत दर्ज कराई तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने शिकायत किसको की है अभी दर्ज? तहसीलदार को की है। तहसीलदार को दर्ज की है लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। कौन सी पंचायत से आप? खनिया थाना पंचायत से हैं। कौन से वार्ड से फॉर्म भरा है आपने? 14 नंबर वार्ड से। आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है अभी तहसीलदार महोदय को? हाँ, बिजली विभाग। बिजली विभाग की शिकायत है, क्या शिकायत है? सब हमारा धनियाम लड़ रहा हूँ सामने आपके आपके हमारे भाई जी जी सुबह ने बिल भरा के नहीं हम। अच्छा, उन्होंने गलत बिजली बिल का वो उन्होंने लगाया कागज। तो आपने इसकी शिकायत किसको दी थी अभी? तहसीलदार को। तहसीलदार महोदय को दी है। कोई सुनवाई हुई है इस पे? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक। कफार किस चीज का फॉर्म भरा है आपने? मेमोरी का फॉर्म भरा है। तो अभी आपने एक शिकायत करी है तहसीलदार साहब से, वो क्या शिकायत है? वो ये शिकायत है साहब, राम बाबू ने जो मैंने जो फॉर्म भरा था जो बिजली का, नहीं तो राम बाबू आपके खिलाफ लड़ने वाला है। हाँ, लड़ने वाला है। हाँ, तो उसने क्या गलती की है फॉर्म में? उसने ना बिजली फॉर्म भरा ना कुछ नहीं किया है। हाँ, बस। तो आपने इसी की शिकायत की है? हाँ, बस की। कोई कार्रवाई हुई है इस पे? नहीं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की? आपने किसको आपत्ति दर्ज कराई थी, किसको लिख के दिया था? तहसीलदार को दिया है लिख के, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, ना बिन्ने सुनी, नहीं सुनी कोई, कुछ किसी ने भी नहीं सुनी किसी की। चलिए, ठीक ठीक।